धमाका, उत्तर प्रदेश की सीटें जिसे लेकर समाजवादी पार्टी में घमासान और ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने मेरठ से अतुल प्रधान का भी टिकट काटकर सुनीता वर्मा को यहां से जनता का प्रतिनिधि बनाया है, उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। और आज सुनीता वर्मा ने मेरठ सीट से नामांकन भी दाखिल कर दिया है। तस्वीर भी आपके सामने, मेरठ की मेयर रह चुकी हैं सुनीता वर्मा, जिन्हें अब उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है मेरठ की सियासत से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अतुल प्रधान। अतुल प्रधान जी, जिस तरीके से कल आपने नॉमिनेशन किया उसके बाद आज सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं उन्हें बधाई देता हूं, राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको मौका दिया है और वो अच्छा करेंगे, अच्छा करके दिखाएंगे। अब क्या कुछ हुआ कि 24 घंटे के अंदर ही इतना बड़ा बदलाव हो गया? नहीं, वो पहले से मंथन चल रहा था, प्रयास चल रहा था। मान लिया किसी तरह कोई फीडबैक है या किसी तरह की कोई बात है, किस तरह का विचार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की क्या रणनीति है, उन्होंने बैठकर बताई और बात की। हम लोगों ने वहाँ व्यक्तिगत रूप से अंदर बात की, घंटों तक बात हुई है, वार्ता हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो तय किया वो जिस तरीके से एसटी हसन ने कहा था कि वो ऋषि वीरा का प्रचार नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। आप प्रचार करेंगे सुनीता वर्मा? बिल्कुल निश्चित रूप से। मान लिया हम ऐसा क्यों बोलेंगे, पार्टी समाजवादी पार्टी में है तो प्रचार करेंगे, उसी की बात करेंगे। मान लिया कोई आदमी किसी पार्टी दल में है उससे अलग की अगर बात करता है तो वो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी से अरुण गोविल हैं और जिस तरीके से प्रत्याशी बदला जा रहा है वो नहीं, वो जो कैंडिडेट बेशक हमारे यहाँ ये हो रहा हो फिर बदल, लेकिन वो कैंडिडेट मेरठ के नहीं है, वो मुंबई के हैं, मुंबई लौट जाएंगे। और जिस तरीके से कैंडिडेट बदला जा रहा है, आपके सपोर्टर्स पार्टी के कैडर में कंफ्यूजन नहीं है, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जो चीज होगी बेहतर होगी और रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। आखिरी में क्या हुआ, की क्या कहा अखिलेश जी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो तय किया है वो हम मानिए, हम क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि पार्टी की रणनीति है, पार्टी ने तय किया है, जो प्रत्याशी तय कर दिया आप उसके साथ रहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे, जयंत चौधरी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने, जयंत चौधरी जी हमारे साथ तो है नहीं, तो मान लिया विपक्ष में है तो विपक्ष जैसी बात बोलेंगे, तो उनकी अपनी मर्जी। सूत्रों के मुताबिक मेरठ सीट के बाद बागपत में भी एसपी ने उम्मीदवार बदल दिया। बताया ये जा रहा है कि एसपी ने इस सीट पर पहले जाट कार्ड खेला था, लेकिन नामांकन खत्म होने में सिर्फ एक दिन पहले ही अमरपाल शर्मा के नाम का ऐलान कर सकते हैं। और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि एसपी बागपत में ब्राह्मण कार्ड भी खेल सकती है। देखिए, जातिगत तौर पर सियासत जो है वो हमेशा से देखने को मिलती रही है, ऐसे में फिलहाल उम्मीदवार कौन होगा बागपत में भी अभी फिलहाल बवाल मचा हुआ है। और उधर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव के बदायूं से चुनाव नहीं लड़ने और अपने बेटे आदित्य के लिए टिकट मांगने के नए समीकरण यहां पर सामने आने लगे हैं। आदित्य सिंह यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने शिवपाल जी को टिकट दिया और अभी वो बदायूं से उम्मीदवार हैं, वो उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। आदित्य ने यह भी कहा कि अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ता हुआ नजर आऊंगा, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिली तो चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। हमारे साथ आदित्य यादव जी मौजूद हैं। आदित्य जी, फिर एक बार टिकट बदलने की चर्चा है और क्या मौका मिला तो आप आजमाएंगे? देखिए, अभी आज के समय पे समाजवादी पार्टी ने बदायूं लोकसभा से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को चुनाव में लड़ाया है और शिवपाल सिंह यादव जी इस समय लोगों के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं और अभी हम लोग सभी लोग हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या निर्णय रहता है पार्टी का, आज के समय में मैं इतना कह सकता हूँ, हम लोग समाजवादी पार्टी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को चुनाव लड़ा रही है। उसके बाद जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे पूरी तरीके से। इलेक्शन धमाका इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपके सामने पहुंचा दे अभिनेत्री और